हेलो दोस्तों, ज़िंदगी के पल बीते बुदा में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। ससुराल सिमर के टू में हम देखते हैं, सिमर महसूस करती है कि आरव उसके पास है और वो उससे कुछ बातें करती है। अचानक उसको मालूम पड़ता है नहीं, ये तो ख्वाब है। इधर आरव ने भी सोचा है कि वो करवा चौथ का व्रत रखेगा सिर्फ के सिमर के लिए। और देखता 4 बज गए हैं और वक्त हो गया है। इधर सिमर भी सोचती है कि मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी। इधर रीमा सुबह सुबह उठ जाती है। रीमा कहती है गीतांजलि देवी की, अरे इतनी जल्दी तुम उठ गई हो। तो स्टोरी ऐसे चलती है और आरव भूखा रहता है और आरव की माँ उसके लिए कुछ खाने के लिए लाती है। तभी बड़ी माँ आ जाती है कि ये क्या खिला रहे हो, ये तो वही खा सकता है जो कि करवा चौथ का व्रत रखे। इधर स्टोरी चलती है आगे और आरव कहता है कि बचपन की यादों में से एक भूत चुराने की कोशिश कर रहा था, वो भी आपने नहीं होने दिया। इधर सिमर के पापा को समझ में आता है कि सिमर ने शायद करवा चौथ का व्रत रखा है कि उसके मुझे निकल जाता अचानक आरव के लिए। वो तो बिस्किट खाने के लिए कहते हैं लेकिन वो बिस्किट नहीं खाती है, पानी भी नहीं पीती। ये दोनों का प्यार देख के बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, ट्रैक बहुत अच्छा चल रहा है। इधर रीमा विवान को समझाती है, विवान भी थोड़ा थोड़ा कन्विंस हो रहा है कि हाँ तुम सब कुछ ठीक कर रही हो। आखिर रीमा नहीं कर रही है, फिर भी वो देखती है, महसूस कराती है और दोनों में थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। और आगे देखते हैं स्टोरी क्या होती है, क्योंकि रीमा की नज़र चाबी पर है। और इधर सिमर और आरव अपने ख्वाबों में फिर मिलते हैं दोबारा और अचानक उसको मालूम पड़ता नहीं, ये तो सपना है।